तालाब से पेट्रोल पंप से लेके रकम जो है राजनांदगांव जमा करने आ रहा था। लगभग 14,01,000 रुपए की रकम थी, जिसको पिंडीनाला के पास में तीन आरोपियों ने कार में आए और प्रार्थी को रोका और चाकू से हमला करके उस रकम लूट के ले गए। जब प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ की गई और सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया गया, अन्य परिस्थितियों का अध्ययन किया गया, तो प्रार्थी के जो कथन है वो घटना से मैच होते नहीं पाए गए। जो चाकू से मारे गए थे, उसको डॉक्टर से क्वेरी कराई गई तो डॉक्टर ने उस पर संदेह व्यक्त किया गया। डिटेल पूछताछ से पार्थिव टूट गया, फिर उसने घटनाकारी कला स्वीकार किया कि वो करीब 2-3 महीने से इस घटना को अंजाम देने के प्लान बना रहा था और उसके उसके दो साथियों की तलाश कर ली, जिसमें एक था समय सिन्हा जिसकी कार घटना में उपयोग की, एक मोनू खान जो कि मुर्गा काटने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। तो इसको जो है चाकू अपने शरीर पर कट लगवाने के लिए इसका उपयोग किया। ये लोग घटना स्थल पर बड़े आराम से ही सोने सिन्हा की कार में बैठे आराम से अपने हाथ में चाकू से कट लगाया और फिर बाद में सोने सिन्हा और मोनू खान को रकम दे के बाकी वहीं रुक गया। और फिर उसको पुलिस बताया आपको कि सट्टेबाजी का भी शौकीन रहा है, इसका पुराना रिकॉर्ड। चिचुला थाने के अंतर्गत एक 14 लाख की लूट का मामला आया था, जिसमें प्रार्थी राजा राम बिश्नोई ने रिपोर्ट लिखाई थी कि मुझको चाकू मार के 14 लाख रुपए लूट लिए गए हैं, जो पेट्रोल पंप का पैसा था और मैं राजनांदगांव बैंक में जमा कराने जा रहा हूँ। इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पे घटना पे संज्ञान लिया और गंभीरता से इस मामले को देखा। तो जब इसकी जांच की गई तो सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया गया, प्रार्थी के बयानों का अध्ययन किया गया, इसके अलावा जो घटना स्थल है उसकी पेट्रोल पंप से दूरी, ये सारी चीज़ें काफ़ी विरोधाभास दिखी। जैसे घटना स्थल से पेट्रोल पंप मात्र 16 किलोमीटर है, उसको आने में वहाँ तक 40 मिनट लगा और फ़ोन करते हुए आ रहा था, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई है। और ये आमतौर पर 3 से 5 लाख रुपए को जमा कर देता था, पर ये 14 लाख रुपए तक रकम को जमा नहीं कराया। ये चाहता तो सोमवार को पैसा जमा कराने निकला था, पिछले बुधवार को जमा करा सकता था, गुरुवार को कर सकता था, शुक्रवार कर सकता था। कल चिचुला थाना के अंतर्गत प्रार्थी राजा राम ने रिपोर्ट आके दर्ज कराई कि वो भोर तालाब से पेट्रोल पंप से लेके रकम जो है राजनांदगांव जमा करने आ रहा था। लगभग 14,01,000 रुपए की रकम थी, जिसको पिंडीनाला के पास में तीन आरोपियों ने कार में आए और प्रार्थी को रोका और चाकू से हमला करके उस रकम लूट के ले गए। जब प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ की गई और सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया गया, अन्य परिस्थितियों का अध्ययन किया गया, तो प्रार्थी के जो कथन है वो घटना से मैच होते नहीं पाए गए। जो चाकू से मारे गए थे, उसको डॉक्टर से क्वेरी कराई गई तो डॉक्टर ने उस पर संदेह व्यक्त किया गया। डिटेल पूछताछ में पार्थिव टूट गया, फिर उसने घटनाकारी कला स्वीकार किया कि वो करीब 2-3 महीने से इस घटना को अंजाम देने के प्लान बना रहा था और उसने इस बीच में दो साथियों की तलाश कर ली, जिसमें एक था सोमेश सिन्हा जिसकी कार घटना में उपयोग की, एक मोनू खान जो कि मुर्गा काटने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। तो इसको जो है चाकू अपने शरीर पर कट लगवाने के लिए इसका उपयोग किया। ये लोग घटना स्थल पर बड़े आराम से ही सोमेश सिन्हा की कार में बैठे आराम से अपने हाथ में चाकू से कट लगाया और फिर बाद में सोमेश सिन्हा और मोनू खान को रकम दे के प्रार्थी वहीं रुक गया और फिर उसने पुलिस की झूठी सूचना दी। इस संदर्भ में जो है सीएसपी राजनांदगांव, एसडीओपी डोंगरगढ़, साइबर टीम, चिचोला थाना की जो कोतवाली की टीम, इन सब पर एक विस्तृत टीम बनाई गई थी। सभी का अलग अलग जहां पर लगाया गया था, तो इनसे जो तथ्य निकल के आए तो प्रथम दृष्टिया मामला झूठ का लगा। प्रार्थी से भी इसको फिर स्वीकार किया। वर्तमान में जो है आरोपियों से लगभग 13,40,000 की रकम, कार, चाकू बरामद हो गया है। सभी आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। उनके खिलाफ पहले कोई अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, जानकारी नहीं आई है। फिर भी और उनकी जोधपुर का है, जो कि निवासी मुख्य राजा राम, तो वहाँ से भी आपराधिक रिकॉर्ड निकाला जा रहा है।